बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयदज़ादा बशर हाशमी और आप देख रहे हैं आपका अपना एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। मेरे अज़ीज़ों, मौजूदा हालात पे थोड़ा गौर किया जाए तो एक तलख हकीकत सामने आती है और हमें पता चलता है कि तीसरी जंग अजीम यानी World War III इंसानों के सरों पर मौजूद है। इंसान एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रहे जिसके बारे में सोच कर भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस्लामी रवायात के मुताबिक ये बात भी सच है कि आखिरी ज़माने में हक व बातिल की एक बहुत बड़ी जंग होनी है जिसे जंगे हर मजदून के नाम से जाना जाता है, और यही वो वक्त होगा जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और मुस्तकबिल करीब में इस जंग का आगाज़ होने को है। मेरे जो गुज़श्ता कुछ दिनों से इसराइल से रिलेटेड एक ख़बर बहुत वायरल हो रही है। ख़बर कुछ यूँ है कि इसराइल में एक सुर्ख रंग की बचिया पैदा हो गई है। ये एक ऐसी बच्ची है जिसके जिस्म पे सुर्ख रंग के अलावा एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं है। यहूद का ख्याल है कि अब वो वक्त आन पहुंचा है जब पूरी दुनिया पे उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। अगरचा आज भी पूरी दुनिया को यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं अपनी खुफिया तंजीमों के ज़रिए, लेकिन यहूदी अकायद के मुताबिक अब वो वक्त आ गया है जब वो शैतानी लोग खुलकर दुनिया पर अपनी हुकूमत यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम कर सकेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सुर्ख रंग की बचिया का ताल्लुक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कैसे है, कैसे यहूदी इस सुर्ख रंग की बचिया के जरिए इस दुनिया पे अपनी हुकूमत कायम करेंगे। मेरे जो यहूदियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी यानी टेंपल ऑफ सोलोमोन की तामीर नहीं होती, उस वक्त तक उनका मसीहा जिसे हम दज्जाल के नाम से जानते हैं जाहिर नहीं होगा। उनका अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी को तीसरी मरतबा तामीर नहीं किया जाएगा, तब तक यहूद का वो मसीहा नहीं आएगा जिसके आने के बाद यहूद इस दुनिया पे अपनी हुकूमत कायम करेंगे। एक ऐसी हुकूमत जिसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जानते हैं, एक ऐसी हुकूमत जिसमें शैतान की इबादत और दज्जाल की बादशाहत होगी, एक ऐसी हुकूमत जिसमें तमाम मजाहिब को ख़त्म कर दिया जाएगा, तमाम जुबानें तमाम सकाफतें ख़त्म कर दी जाएंगी, एक ऐसी हुकूमत जिसमें इंसान को जहनी जिस्मानी माशी और सकाफती तौर पे अपना ग़ुलाम बना लिया जाएगा। मेरे अजीज़ो, इस वक्त यहूद अपना थर्ड टेंपल बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। इस मकसद के लिए यहूद ने बकायदा एक इंस्टीट्यूट तैयार किया हुआ है जिसे द टेंपल इंस्टीट्यूट कहा जाता है। इस इंस्टीट्यूट का मकसद हैकल सुलेमानी की तीसरी तामीर के रस्ते में मौजूद रुकावटों को दूर करना है, और इन रुकावटों को दूर करने के लिए ये इंस्टीट्यूट जिसे मैं द सैटेनिक इंस्टीट्यूट कहूँगा किसी भी हद तक जा सकता है। सोचने की बात है कि मुकम्मल तौर पर तैयार होने के बावजूद भी अब तक यहूदी थर्ड टेंपल की तामीर शुरू क्यों नहीं कर रहे। मेरे जीजो, इसका जवाब यह है कि सहूनी रबी ये मानते हैं कि इस वक्त यहूदी नापाकी की हालत में। यहाँ एक बात की वजाहत कर दूँ कि जो लोग यहूदियत के रहनुमा होते हैं उन लोगों को यहूदी रबी कहते हैं, और सहून एक पहाड़ी का नाम है जिसपे मस्जिद अक्सा वाक़ है। इस पहाड़ी को कोहे सहून कहा जाता है। कोहे सहून के नाम पर ही यहूदियों की खुफिया तंजीम सहूनियत कायम की गई है जिसका जदीद नाम इलुमिनाटी है, और इसी कोहे सहून की नस्बत से यहूदी रबियों को सहूनी रबी कहा जाता है। और इन सहूनी रबियों का अकीदा है कि इस वक्त यहूदी नापाकी की हालत में, और जब तक यहूदी पाक नहीं हो जाते तब तक वो थर्ड टेम्पल की तामीर नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने बग़ैर पाक हुए ये काम किया तो उन पर आसमानी आफात नाजिल हो जाएंगी जो उन्हें तबाह बर्बाद कर देंगी। मेरे अज़ीज़ो, ये यहूदियत के अकायदे हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि यहूदियों को पाक किस तरह किया जाएगा, यानी यहूदी किस तरह अपने आप को पाक करेंगे। मेरे अज़ीज़ो, यहूदी रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर भेजे गए तो उन पर एक संदूक नाजिल हुआ। ये संदूक शमशाद की लकड़ी से तैयार किया गया था। इस संदूक को ताबूते सकीना कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद ये ताबूते सकीना मुख्तलिफ अंबिया इकराम को मिलता रहा, और फिर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का दौर शुरू हुआ और ये ताबूते सकीना हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पास आ गया। ताबूते सकीना नामी ये संदूक एक अलग कमरे में रखा जाता था, और इस कमरे में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन जो त्यौहार का दिन होता था, जो ईद का दिन होता था, उस दिन हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इस कमरे में जाते और खुदा पाक से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब करते थे। इस कमरे में दाखिल होने से पहले एक गाय और दो बकरों की कुर्बानी की जाती थी।
इस गाय को जबा करने के बाद उसके खून, गोबर, चर्बी और खाल समेत उसे जला दिया जाता था। और यहूदी तालीमात के मुताबिक ऐसा करने से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती थी, यानी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से इस पूरे साल ला इल्मी में जो भी खताएं और गलतियां या फिर गुनाह सरजर्द हुए, खुदा पाक उन्हें माफ़ फरमा देता। इसके बाद उन दो बकरों को लाया जाता और उन दोनों बकरों के दरमियान कुरानदाजी की जाती। इस कुरानदाजी में जिस बकरे का नाम निकल आता, उस बकरे को गाय की तरह ही कुर्बान कर दिया जाता। यहूदियों का अकीदा था कि ऐसा करने से बनी इसराइल तमाम गुनाहों से पाक हो जाते हैं, यानी ऐसा करने से बनी इसराइल की पाकी वजूद में आती थी। दूसरे बकरे को हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया जाता और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उस बकरे के सर पर हाथ रख कर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को उस बकरे में मुंतकिल कर देते थे और फिर उस बकरे को वीराने में आज़ाद छोड़ दिया जाता था। और ये अमल मुकम्मल करने के बाद ही हज़रत हारून अलैहिस्सलाम समेत तमाम बनी इसराइल की पाकी वजूद में आती थी। यहाँ मैं एक बात वाजिया कर दूँ कि ये तमाम यहूदी अकायद हैं। इस्लामी अकायद के मुताबिक तमाम अंबिया इकराम मासूम हैं। उनका चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, अलगर्ज़ उनका हर अमल अल्लाह पाक की मर्ज़ी के मुताबिक है। मेरे अज़ीज़ों, मौजूदा दौर की बात की जाए तो आज भी सहूनी रबियों का मानना है कि यहूदियों की पाकी उस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक सुर्ख रंग की बचिया की कुर्बानी न पेश की जाए। इस सुर्ख बचिया का गुज़िश्ता 2000 सालों से इंतज़ार किया जा रहा है। यहूदियों के मुताबिक ये सुर्ख बचिया उन तमाम शरायत पर पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहबी किताबों में बयान की गई हैं। यानी ये सुर्ख रंग की बचिया बेऐब हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख होनी चाहिए। इसके जिस्म पे किसी किस्म का कोई दाग या कोई तिल वगैरह नहीं होना चाहिए। कुछ रबी ये मानते हैं कि अगर सुर्ख रंग के अलावा पूरे जिस्म पे 2 से 3 बाल किसी और रंग के हों तो इसकी छूट है। मेरे जो इस सुर्ख रंग की बचिया की कुर्बानी के बगैर यहूद हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं कर सकते, इसीलिए इस बचिया की तलाश पूरी दुनिया में जारी थी। कई मरतबा ऐसी सुर्ख बचिया को ढूंढ भी लिया गया मगर मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक ये तमाम शरायत पर पूरा नहीं उतरती थी, इसलिए फिर से नई तलाश शुरू कर दी गई। यहूदियों को सुर्ख रंग की बचिया कहीं से भी नहीं मिल रही थी और यहूदी सब्र और इंतजार कर करके थक चुके थे, तो उन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा। तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए द टेम्पल इंस्टीट्यूट नामी जो इदारा इसराइल में काम कर रहा है, उस इदारे में हर तरह के माहिरीन मौजूद हैं। उन्होंने पता किया कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां सुर्ख रंग की गाय पाई जाती है। चनाचे उन्हें पता चला कि टेक्सास के एक फार्म में सुर्ख रंग की गाय की एक नस्ल मौजूद है जो यहूदियों की शरायत पे पूरा उतर सकती है। गाय की इस नस्ल का नाम रेड एग्नेस है। द टेम्पल इंस्टीट्यूट के माहिरीन टेक्सास के इस फार्म पे पहुंचे और उन्होंने रेड एग्नेस के एम्ब्रियोज हासिल किए ताकि इन एम्ब्रियोज के जरिए इसराइल में साइंसी तरीके से सुर्ख रंग की बचिया पैदा की जा सके। एम्ब्रियोज हासिल करने के बाद इसराइल के एक फॉर्म में सुर्ख रंग की बचिया की बजरिया टेस्ट ट्यूब तरीके से पैदाइश की कोशिशें शुरू कर दी गई और कुछ ही अरसे में द टेम्पल इंस्टीट्यूट के माहिरीन एक ऐसा बच्चा तैयार करने में कामयाब हो गए जो मुकम्मल तौर पर सुर्ख था। लेकिन बाद में माहिरीन को पता चला कि ये गाय का बच्चा नर है, मादा नहीं है, और मजहबी अकायद के मुताबिक उन्हें मादा यानी बचिया चाहिए। चनाचे यहूदियों के अरमान एक मरतबा फिर पानी पानी हो गए और वो दोबारा सुर्ख रंग की बचिया हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ हो गए। अभी हाल ही में 28 अगस्त 2018 को द टेम्पल इंस्टीट्यूट एक सुर्ख रंग की बचिया हासिल करने में कामयाब हो गया। इस बचिया को अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। इस इदारे के माहिरीन यहूदी रबियों के हमरा रोज इस सुर्ख बचिया का चेकअप करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शरायत के मुताबिक रही और ये बचिया किसी हादसाती या तिबी मौत का शिकार नहीं हुई तो इसकी कुर्बानी 2 साल की उम्र में मौजूदा हैकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी। इस बचिया के गोश्त, खाल, खून, चर्बी और गोबर सबको खुशबूदार लकड़ियों में जलाया जाएगा। इसकी राख को मतलूबा शरायत रखने वाले पानी में मिलाकर मुंतखब अफराद पर छिड़का जाएगा ताकि वो लोग हैकल सुलेमानी के तमाम इलाके में जा सके और हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की जा सके। द टेम्पल इंस्टीट्यूट के मुताबिक हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सहूनी यहूदियों के रास्ते में मौजूद सबसे बड़ी रुकावट मुसलमानों की है, मस्जिद अक्सा की है। इसीलिए सहूनी यहूदी मस्जिद अक्सा को नाउज़ बिल्ला शहीद करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसी शैतानी ख्वाहिश की तकमील के लिए वो शैतानी चालें चलते रहते हैं। कुछ अरसा पहले फलस्तीनो.com की तरफ से एक रिपोर्ट शाया की गई
जिसमें बताया गया कि यहूदी मस्जिद अक्सा को नाउज बिल्ला शहीद करने के लिए मस्जिद अक्सा के इतराफ में सुरंगें खोद रहे हैं और इन सुरंगों की तादाद 60 से भी ज्यादा है। इसके अलावा अभी हाल ही में इसराइल नेशनल news.com की तरफ से एक रिपोर्ट शाया की गई जिसमें बताया गया कि इसराइल में यहूदी मस्नूई जलजले पैदा कर रहे हैं ताकि मस्जिद अक्सा को बासानी शहीद किया जा सके। ये सब किस लिए किया जा रहा है मेरे अजीजों? ये सब हैकल सुलेमानी की तीसरी तामीर के लिए ही किया जा रहा है ताकि हैकल सुलेमानी की तामीर करके अपने मसीहा यानी दज्जाल की आमद का रास्ता हमवार किया जा सके और वो मसीहा यानी दज्जाल आके यहूदियों की बादशाहत कायम करे। मेरे अजीजों, ये सुर्ख रंग की बचिया पाकर यहूदी और ईसाई दोनों ही खुश हैं क्योंकि ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर ईसाइयत की तजदीद करेंगे और यहूदियों का अकीदा है कि यहूदियों की बालादस्ती कायम होगी, इसलिए ये दोनों ही खुश हैं। मेरे अजीजों, ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब पे अपनी जान देकर उनके सारे गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है, इसलिए सारे ईसाई बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जबकि कुछ ऐसा ही अकीदा यहूदियों का भी है। इसलिए दोनों मजाहिब के मानने वाले इंतहा पसंदों की कोशिश है कि किसी तरह क़यामत की शरायत को पूरा कर दिया जाए ताकि वो जन्नत में फौरी तौर पर दाखिल हो सकें। लेकिन सच क्या है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मेरे अजीजों, एक बात तो तयशुदा है कि हैकल सुलेमानी की तीसरी तामीर के साथ ही खूनरेजी का एक दौर शुरू हो जाएगा। सेहूनी खुद इस बात की तस्लीम करते हैं कि हैकल सुलेमानी की तीसरी तामीर के आगाज के साथ ही दुनिया में शदीद खूनरेजी होगी। सेहूनी यहूदी इसे दौरे फितन से ताबीर करते हैं जो 7 सालों पर मुश्तमिल होगा। उनका कहना है कि हैकल सुलेमानी की तीसरी तामीर का आगाज होते ही खूनरेजी का आगाज हो जाएगा और पहले 3 साल में दुनिया की 1/4 आबादी मारी जाएगी। इसके बाद इंसानों के मरने का दूसरा दौर शुरू होगा जिसमें मजीद 1/4 आबादी मौत का शिकार होगी। मेरे अजीजों, सेहूनी यहूदियों के मुताबिक पहले मरहले में होने वाली खूनरेजी से मशरक़ी वस्ता, मशरक़ी और वस्ती एशिया और शुमाली अफ्रीका के ममालिक मुतासिर होंगे, जबकि दूसरे मरहले में आने वाली मौत की लहर से इराक में दरियाए फरात से लेकर यरूशलेम तक की अरब बेल्ट मुतासिर होगी। सेहूनी यहूदी इस खूनरेजी के आगाज का भी जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि दौरे फितन का आगाज इसराइल की पहाड़ियों पर एक रोज़ा जंग से होगा जिसमें रूस, तुर्की, अरब ममालिक और दीगर इस्लामी ममालिक जमा होकर इसराइल पर चढ़ाई करेंगे जिसके नतीजे में लाखों लोग मारे जाएंगे और यही वो जंग है जिसे कुछ ईसाई किस्से कहानियां सुना सुनाकर याजूज माजूज की जंग से जोड़ते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये जंग World War III होगी। ये जंग हक और बातिल की जंग होगी जिसे जंगे हर मजदून के नाम से जाना जाता है, जब हक और बातिल एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होंगे। मेरे अजीजों, यहूदो नसारा के इन खुफिया शैतानी चालों को देखें और फिर अपने गलीबान में झांकें और नोट करें कि आज हम मुसलमानों की क्या हालत है। क्यों हम मुसलमान, जो करूने उला जैसे दौर में आला तरीन कौम तसव्वुर की जाती थी, आज इतनी गुमराही, शिरक व बिदआत, लाइल्मी, फिरका वारियत और खुद परस्ती में डसे हुए हैं? आखिर क्या वजूहात हैं जो मुसलमान बिखर कर रह गए? क्यों जवाल हमारा मुकद्दर बनता जा रहा है? हर शख्स सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, अहले तशी है। सोचो जरा, कोई मुसलमान भी है? मेरे जो जवाल उम्मत के असबाब के नाम से मेरी 3 वीडियोस हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक मरतबा वो 3 वीडियोस देख लें, आपको जवाल उम्मत के असल असबाब का पता चल जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपके सोचने का नजरिया जरूर बदलेगा। तमाम वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा। मेरे जो ये थी आज की वीडियो जिसमें सुर्ख बचिया के बारे में तफसील से बात की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। अगर पहली मरतबा मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको एक्सपोज यूनिट की वीडियोज़ टाइम से मिलती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।